वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास इंद्रजीत सिंह तीर कहिंदे हन, दुनिया दी तकड़ी तो तकड़ी कौम नूं गुलाम करन लई उस तो हथियार नहीं बल्कि कलम खोण दी लोड़ हुंदी है। असीं जो पढ़ते हाँ ना कि अंग्रेजां ने जदों पंजाब नूं अपने कब्जे दे विच लिया तो सब तो पहलां साडी भाषा दे कायदे घरां चों इकट्ठे करके अग ला के साड़ दित्ते। ये तो बहुत बाद दियां गल्लां ने, आओ इस तो पहलां दी गल करते हैं। तुहाडे हर एक सैकंड का मुल मोड़ेगी ये वीडियो, अखीर तक जरूर सुनियो, लाइक कमेंट ते शेयर भी जरूर करियो। जदों औरंगजेब बादशाह हिंदुस्तान दे तख्त ते बैठा सी तां इस दियां मेन पॉलिसियां दे विचों एक पॉलिसी सी हिंदुस्तान दे विच राग ते पाबंदी, राग दरबारां ते पाबंदी, साहित्यक सिरजना ते पाबंदी, मदरसों के विच लिमिटेड फिरकू ज्ञान ही दिमाग दे विच भरिया जांदा। असल विच औरंगजेब वल्लों एक कलम ते पाबंदी लगाई गई सी तलवार दे जोर नाल। जदों कलम ते पाबंदी लगी तां हिंदुस्तान दे लोकां ने गीता, रामायण, महाभारत दे ग्रंथ खद्दर दे कपड़िया च लपेट के संदूकों के सांभ दिते सन। वड्डे वड्डे स्कॉलर, विद्वान, आचारिया, अध्यापक बेरोजगार ते जलील किए गए ता कि अगे तो कोई इस रस्ते ते ना तुरे। जदों हिंदुस्तान दे मंदिरां दे विचों टल ला दिते गए सन कि इन्हां दी गुंजार दे विचों राग पैदा हुंदा है, बिल्कुल उस वेले आनंदपुर साहिब की धरती ते रणजीत नगारा मड़िया सी कलगीधर पातशाह जी ने डरदे हुए दिलां नूं त्रवास देण दे वास्ते। अते फिर कलगीधर पातशाह जी ने शुरू किया वो कार्ज जिस ने दुनिया के इतिहास नूं बदल देना सी। हर भाषा के विद्वान, स्कॉलर, रागी, विद्या दाते लोकां लई आनंदपुर साहिब तो फरमान जारी हो गया कि हर विद्वान की विद्वता का मुल सोने दियां मोहरां दे नाल पाया जाएगा। भारत की सभ्यता, विद्वता, विद्वान, कल्चर खत्म होने तो बचाने दे विच जुट गए सन आनंदपुर साहिब की धरती ते कलगीधर पातशाह जी। कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक के स्कॉलर आनंदपुर साहिब वल नूं तुर पए। थोड़े ही समय दे विच आनंदपुर साहिब संसार की सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी बन गया सी। अनेका भाषा के स्कॉलरां दे दर्शन दीवाना दे विच होण लग पए सन। अनेका भाषा नूं आनंदपुर साहिब की धरती ते पढ़िया, गाया, सुनिया ते विचारिया जाण लग पिया सी। अते आनंदपुर साहिब दे लोग इन्हां दीआं कवितावां, ज्ञान, इतिहास सुनण दे लई इकट्ठे होणे शुरू हो गए सन। औरंगजेब दे कोल इस महान कार्ज की खुफिया रिपोर्ट पहुंची तां तिलमिला उठिया हिंदुस्तान दा बादशाह। हुण विश्व दी सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी आनंदपुर साहिब नूं मलिया मेट करन दे लई तरकीब बनाउण दे विच रुझ गया सी बादशाह हिंदुस्तान औरंगजेब। ते इक वार इधर ये सोच के वेखो कि क्या दृश्य होवेगा आनंदपुर साहिब दा जदों कवी दरबार सजण दा टाइम हुंदा। आनंदपुर दे लोग समय तो पहला आ के थां मल के बैठ जांदे, चार चुफेरे चुप छा जांदी, नगारे दी चोट ते शुरू हुंदा कलमां दा सफर। जदों स्कॉलर कवी स्टेज ते आउंदे दिलां दी धड़कण पहलां दे नालों तेज हो जांदी, मत्था त्रेड़ियां दे नाल भिज जांदा, वीर रसी कवितावां पहाड़ियां नूं गूंजण ला दिंदियां। वीर रस नाल औरतां दा हथ वी तलवार दे कब्जे ते चलिया जांदा ते बजुर्गां दा शरीर जोश दे नाल कंबण लग जांदा। बच्चे दंदियां क्रीचण लग पैंदे सन ते योधियां दे शरीर चों पसीने दे फुहारे छुट पैंदे सन। इह सी कलम दी शक्ति दा प्रताप। जदों कवी दरबार अपने शिखर ते हुंदा तां कलगीधर पातशाह खजाने दे विचों सोने दियां मोहरां मंगवा के अणगिणत मोहरां बुक्कां दे बुक भर के कवियां दे सिरां तों दी वार दिंदे सन। कवियां दियां झोलियां छोटियां रहि जांदियां सन। इन्हां इन्हां इनाम कवितावां दा आनंदपुर साहिब दी धरती ते कलगीधर पातशाह दे वल्लों पाया जांदा सी। सुणन वाले दीवाने लोग कवियां दे पैरां दी मिट्टी चुक के मत्थे नूं लाउंदे सन तां कि ज्ञान दा इलम हो सके। ए सी थ्योरी।
जो आनंदपुर साहिब की यूनीवर्सिटी के खुले मैदान दे विच हर मजहब के लोगों को पढ़ाई जाती अते फिर नाल ही शुरू हुंदा पढ़न वालियां दा प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रशादा पानी छकण तो बाद योध्यां दे दल घोड़िया ते काठियां पाउंदे, किरपाना जंगल दे राह तुर पैंदियां। कवितावां वाला जोश इन्ना ज्यादा हुंदा कि हर एक सूरमा ताकतवर जानवर शेर दा टाकरा करन दे लई एक दूजे तो अगे हो के संघणे तो संघणे झल्लां नूं फरोलदा फिरदा। ये हुंदी आ कलम दी शक्ति जो मुरदिआं नूं मर्द बना देवे। थोड़े समय विच ही ज्ञान दा दीवा कलगीधर पातशाह जी ने लोगों के दिमाग विच ऐसा बाल दिता कि मरण दा डर खंभला के उड गया। ज्ञान दी शक्ति ने इकल्ले नूं 1.25 लाख नाल टक्कर लैण दे काबल कर दिता। इधर ज्ञान दे सागर नूं बन लाउण दे लई दो विरोधी धिरां ने एका कर लिया। 22 धार दे राजे अते औरंगजेब दी सेना संसार दी सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी आनंदपुर साहिब नूं सख्त घेरा पा के खलो गई। घेरा इन्ना सख्त सी कि किसी नूं भी अंदरों बाहर ते बाहरों अंदर नहीं जाण दिता जांदा सी, क्योंकि औरंगजेब नूं पता सी कि जे ये ज्ञान आनंदपुर साहिब दी धरती तो बाहर हिंदुस्तान दे विच फैल गया तां लोक इन्ने क जागरूक हो जाणगे कि आउण वाले समें दे विच हिंदुस्तान दी राजधानी होएगा आनंदपुर साहिब अते हिंदुस्तान दे विच राज मेरा नहीं राज होवेगा खालसे दा। अगवाई करनगे कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज। कई महीने घेरा ते युद्ध चलते रहे। तलवार दे नाल कलम नूं खत्म करन दा यतन किया जा रहा सी हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब दे वल्लों। अते जदों कलगीधर पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब छड्या उदों तक हर विद्वान सूरमा बन चुकिया सी ते हर एक सूरमा विद्वान बन चुकिया सी। छोटे तो छोटे बच्चे भी कई भाषावां दे जाणू हो गए सन। आनंदपुर साहिब दी धरती ते साखरता 100% तो भी उपर चली गई सी। आनंदपुर छड्डण समय रस्ते दे विच बेअंत शहीदियां अते कुर्बानियां होईयां अते जदों आनंदपुर साहिब सिंघां दे वल्लों खाली कर दिता गया ना, औरंगजेब दियां फौजां ने खाली आनंदपुर साहिब दे कल्ले कल्ले किले दियां इट्टां नूं उखाड़िया, सब कुछ ढह ढेरी कीता गया। इस ज्ञान दे सागर नूं खत्म करन दा हर एक जतन होया, पर मूर्ख लोग ये नहीं जाणदे सन कि ज्ञान तां गुरु जी ने लोगों के दिमागों के भर दिता है। किले ढाण दे नाल हुण किसे दा कुछ नहीं बिगाड़िया जा सकेगा। एक कलमा दे काफले दा मालिक आनंदपुर साहिब तो रवाना हो के सरसा पार करके चमकौर साहिब दी धरती ते अपने पुत शहीद करवा के माछीवाड़े दे जंगलां दे विच पुज गया। उधरले पासे मुगल फौजां जित दी खुशी दे विच डुब्बियां होईयां जश्न मना रहियां सन, पर इधरले पासे तारियां दी छावें कड़ाके दी ठंड दे विच तलवार नूं एक पासे रख के खुले मैदान दे विच कलगीधर पातशाह माछीवाड़े दी धरती ते एक बार फिर अपनी कलम नूं चलाउंदे होए लिख रहे सन मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। कलमां दा कलगीधर पातशाह जी दी कलम दा अगला सफर अगली वीडियो दे विच सुनण दे लई साडे चैनल मुल्क पंजाब नूं सबसक्राइब जरूर करियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।